अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज तैयार कर लेते हैं मेरे साथ मुहर्रम के स्पेशल रोट। मुहर्रम में अक्सर ये रोट ज़रूर बनाए जाते हैं, देखते हैं इसे कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अनयाद से इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर एक पैन में मैंने 1 टेबल स्पून देसी घी ले लिया है। घी गर्म हो जाने के बाद हम उसमें ऐड कर लेंगे 1/2 कप नट्स। नट्स में यहाँ पे मैंने काजू बादाम एंड पिस्ता ले लिया था। इसे अच्छी तरीके से हम फ्राई करके निकाल देंगे साइड में। ठंडा हो जाने पर हम इसे दरदरा पीस के रख देंगे साइड में। देन यहाँ पर एक बोल के ऊपर रख दिया था सीवर। उसमें ऐड कर लूँगी 1 1/4 कप सूजी, 1 1/4 कप ऑफ मैदा, 1/2 कप मिल्क पाउडर, 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट, 3/4 कप ऑफ कैस्टर शुगर, 3/4 कप ऑफ ग्रैनुलेटेड शुगर जो साधारण हमारी घर की चीनी रहती है वो, 1 TSP बेकिंग पाउडर, 1/4 TSP ऑफ बेकिंग सोडा, 1 TSP ऑफ इलायची पाउडर एंड 2 टेबल स्पून ऑफ कस्टर्ड पाउडर। यहाँ पे मैंने वनीला कस्टर्ड पाउडर ही लिया है। अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को हम सीव कर लेंगे। देन हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 whole egg एंड 1/2 कप मेल्टेड देसी घी। अच्छी तरीके से पहले इन इंग्रेडिएंट्स के साथ हम मिला लेंगे। मिक्स हो जाने के बाद हम ग्रेजुअली इसमें दूध डालेंगे एंड उसे गूंद लेंगे। यहाँ पे मैंने नट्स भी ऐड कर लिया है। टोटल मुझे 1/2 कप मिल्क लगा था, 2 टेबल स्पून एट ए टाइम में डाल रही थी। एक साथ 1/2 कप नहीं डालना है, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही यूज़ करेंगे। अच्छी तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे, नीट कर लेंगे। रख देंगे रेस्ट होने लगभग 10 मिनट के लिए। 10 मिनट से ज़्यादा हम इसे नहीं रखेंगे, नहीं तो जो चीनी है वो पानी रिलीज करना स्टार्ट कर देगी। उसके बाद एक हैंडफुल अमाउंट ऑफ बॉल मैंने तैयार कर लिया था, उसे फ्लैटन डाउन करके मैंने खसखस एंड जो बचे हुए नट्स थे मेरे उसे मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था, उसे लगा दूंगी। ग्रीस ट्रे पर हम इसे रख देंगे प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पे लगभग 35 to 40 मिनट्स के लिए हम इसे बेक कर लेंगे। इसी तरीके से मैंने सारे रोट तैयार कर लिए थे एंड बेक कर लिए थे। बेक करके हो जाने के बाद मैंने इसे निकाल दिया था रैक पे। डायरेक्टली हम प्लेट पे नहीं निकालेंगे, नहीं तो जो नीचे का पार्ट होता है वो सॉगी हो जाएगा। इसे रैक पे हम कूल होने के लिए रख देंगे, ठंडा हो जाने के बाद हम इसे सर्व कर सकते हैं। एंड तैयार हो गए थे हमारे मुहर्रम स्पेशल रोट। काफ़ी आसान थी ये रेसिपी एंड यूजुअली हर घर में बनती है। सो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी और रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को विजिट कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए। आते रहोगे आपके पास ऐसी और रेसिपीज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।